हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का ब्लॉग एक मूवी ब्लॉग होने वाला है और आज हम जा रहे हैं खटीमा सिनेमा हॉल में मूवी देखने। देखते हैं वहाँ कौन सी मूवी मिलती है देखने को। फिलहाल तो वहाँ पे डंकी और सलार मूवी चल रही है, लेकिन टिकट देखते हैं किस मूवी का मिलता है हमें। और मेरे साथ जा रहा है असद अंसारी, ये मेरा भांजा है और अभी ये छुट्टियाँ बिताने यहाँ टनकपुर आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कोहरा बहुत है, लेकिन फिर भी हम आज मूवी देखने जा रहे हैं। तो गाइस, हम आपको दिखाते हैं कि खटीमा सिनेमा हॉल पहुँचने के लिए हम निकल रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं छोटू महाराज सिनेमा हॉल के लिए खटीमा, और जैसे कि आप देख रहे हैं बनबसा पहुँच गए हैं। दोस्तों, इस ब्लॉग में आपको मिलने वाली है फुल डिटेल में जानकारी, जैसे कि छोटू महाराज सिनेमा हॉल कहाँ पर है और मूवी का टिकट कितने का है, और घर बैठे हम कैसे पता करें कौन सी मूवी इस टाइम चल रही है, और घर बैठे कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम इस ब्लॉग में आपको देंगे। दोस्तों, अब हम खटीमा पहुँच चुके हैं। अगर आप टनकपुर साइड से आ रहे हैं तो आपके राइट हैंड की तरफ पड़ेगा प्रयास हॉस्पिटल। ये रहा प्रयास हॉस्पिटल, और ठीक इसके अपोजिट साइड यानी इसके ठीक सामने है एमजे मार्केट। ये देखिए सलार मूवी का पोस्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। और अगर आप पीलभीत की साइड से आ रहे हैं तो आपको पहले पड़ेगा छतरी चौराहा, और इस छतरी चौराहा को पार करके आपको जाना है टनकपुर रोड की तरफ। छतरी चौराहा पार करके आपको मिलेगा V2 मॉल, और इससे थोड़ा सा ही आगे जाके आपको मिलेगा प्रयास हॉस्पिटल। ये रहा प्रयास हॉस्पिटल, और ठीक इसके सामने है एमजे मार्केट। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं छोटू महाराज सिनेमा हॉल के गेट पर, और यहां हम अपनी बाइक पार्क करेंगे। और ये रही पार्किंग की रेट लिस्ट, बाइक का जाता है 20 रुपये, साइकिल का 10 और कार का 50 रुपये। तो दोस्तों, अब हमने अपनी बाइक पार्क कर ली है और अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा छोटू महाराज सिनेमा। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं छोटू महाराज सिनेमा हॉल में, और बहुत ठंड है इसलिए हमने कॉफ़ी ऑर्डर की है। अब दो कॉफ़ी ऑर्डर की हैं, एक असद पिएगा और एक मैं। ये रही हमारी कॉफ़ी, अभी असद अपनी कॉफ़ी उठाओ, पियो, नहीं ठंडी हो जाएगी। दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे पीछे क्रिसमस ट्री बना हुआ है जो 25 दिसंबर को बनाया गया था, और अब इसको हटाया जा रहा है। अब ये अगले साल फिर लगाया जाएगा क्रिसमस ट्री दिन। दोस्तों, छोटू महाराज सिनेमा में रोज़ाना 400 होते हैं, जिसका पहला शो 10 बजे और दूसरा 1 बजे और तीसरा 4:30 बजे और चौथा शो 7 बजे शाम को होता है। और हमारा 4:30 बजे का शो की टिकट बुक है, जिसमें हम सलार मूवी देखेंगे। दोस्तों, ये जगह दिन में जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कई गुना खूबसूरत रात में दिखती है, और यहाँ का नज़ारा हम आपको रात का भी दिखाएंगे कि कैसा लगता है रात में यहाँ। ये है हमारा टिकट घर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। ये रहा छोटू महाराज सिनेमा का मेन गेट। तो दोस्तों, अब हम आपको छोटू महाराज के अंदर का लुक दिखाते हैं, कैसा लगता है ये अंदर से। तो दोस्तों, ये रहा अंदर का नज़ारा, और यहाँ पर लगभग करीब 100 सीटें हैं। और ये रहा छोटू महाराज सिनेमा का पर्दा,
इसी पर्दे पर हम आज सलार मूवी देखने वाले हैं। 4:30 बजे का हमारा शो है। ये देखिए यहाँ चारों तरफ एसी भी लगी हुई है। अगर आप गर्मियों में आते हैं मूवी देखने तो आपको यहाँ गर्मी नहीं लगेगी और सीट भी एकदम वीआईपी सीट है। दोस्तों टिकट के प्राइस की अगर बात करें तो आगे की जो सीटें हैं इनका 200 रुपये टिकट है और लास्ट की जो दो लाइन में सीटें हैं उनका 250 रुपये। दोस्तों हमारी मूवी का टाइम होने वाला है और हम इसलिए वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं फ्रेश होने। आप देख सकते हैं फर्स्ट में लेडीज टॉयलेट है और सेकंड में जेंट्स, तो हम जेंट्स टॉयलेट में जाकर फ्रेश होते हैं। आप देख सकते हैं वॉशरूम में कई मूवी के पोस्टर लगे हुए हैं। दोस्तों अब हम अपनी सीट पर आकर बैठ गए हैं और अब मूवी शुरू होने वाली है। अब बाकी का ब्लॉग हम मूवी के बाद बनाएंगे। दोस्तों हमारी सलार मूवी चालू हो चुकी है और अब बाकी का ब्लॉग हम आपको मूवी के बाद दिखाएंगे। तो दोस्तों सलार मूवी का एंड हो चुका है और अब हम बाहर आ चुके हैं। आप यहाँ का रात का भी नज़ारा देखिए कि रात को कैसा लगता है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की कि आप यहाँ किसी भी टाइम आ सकते हैं और बाहर आप अपनी वीडियो बनाएं, फ़ोटो क्लिक करें और बाहर जो भी आपको ये जगह दिख रही है कहीं भी घूमें, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अगर आपको आना है मूवी देखने यहाँ छोटू महाराज सिनेमा हॉल में तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके मूवी मालूम कर सकते हैं कौन सी मूवी चल रही है और इसी नंबर पर कॉल करके आप अपना टिकट भी बुक कर सकते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में बताइए और ये जगह कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए। तो दोस्तों फाइनली अब हम घर आ चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्या मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।